अंगूठियों का पेड़। नन्ही अंजलि को उसकी पिछली सालगिरह पर गांव से उसकी नानी ने तोहफे में एक सोने की अंगूठी भेजी थी। नहीं अंजलि, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये सोने की अंगूठी बहुत महंगी है। अगर गलती से ये तुमसे गुम हो गई तो क्या ये अंगूठी कभी नहीं पहनने दोगी मुझे? ऐसा मैंने कब कहा? छुट्टियों और त्योहारों के दिन या कभी कहीं घूमने जाएंगे तो मैं तुम्हें ये अंगूठी दे दूंगी, पर बाकी समय अंगूठी तिजोरी में ही रहा करेगी, ठीक है? मेरी अच्छी बच्ची। अंजलि को मम्मी की बात समझ में आई और वो मान गई, पर अक्सर उसे लगता था कि काश उसे वो खूबसूरत अंगूठी हर समय पहनने को मिल जाती। एक छुट्टी के दिन अंजलि के मम्मी पापा ने सोचा कि अंजलि को शहर के दूसरे कोने का एक बड़ा बगीचा दिखा लाएं। पिछली बार जब अंजलि को उस बगीचे में लेकर गए थे तब वो गोद में थी और उसे उस बार का कुछ याद नहीं था, इसलिए इस बार बगीचा देखने के लिए अंजलि बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसकी खुशी का एक और कारण था, जैसा कि मम्मी ने वादा किया था, आज अंजलि को उसकी सोने वाली अंगूठी पहनने को मिल रही थी। पर अंजलि, याद है ना, तुम्हें अंगूठी का हर पल ध्यान रखना है, कहीं खो मत देना इसे। बिल्कुल नहीं मम्मी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बगीचा देखकर अंजलि को बड़ा मजा आया। उसके पापा ने उसे अलग अलग पेड़ पौधों और फूलों के नाम बताए। अच्छा अंजलि, तुम्हें पता है ये पेड़ उगते कैसे हैं? कैसे? बीज से। क्या? बीज तो बहुत छोटे होते हैं, इसमें से इतना बड़ा पेड़ कैसे उग जाता है? पापा ने समझाया कि कैसे जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसमें से पौधा निकलता है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और पेड़ पे फिर वही फल उगते हैं। हाँ, बहुत सारे फल। हाँ, बहुत सारे फल। अरे वाह, ये तो कमाल है। बगीचे की सैर के बाद सब घर लौटे। तो अंजलि की मम्मी ने देखा। अरे अंजलि, तुम्हारी अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई अंजलि? वो मैंने कहा था ना, हर पल अंगूठी पर ध्यान देना, और तुमने उसे खो दी। नहीं मम्मी, कोई नहीं। तो फिर? अरे कहीं उतार के रख दी होगी। नहीं पापा। अरे तो गई कहाँ अंगूठी? अरे हंस क्यों रही हो? मैंने उसे बगीचे की मिट्टी में बो दी। क्या? हाँ, मिट्टी, हवा, पानी और धूप की मदद से अंगूठी अंकुरित हो जाएगी और उसमें से पौधा निकलेगा जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा और उसमें बहुत सी अंगूठियाँ उगेंगी और फिर भले ही एक अंगूठी हमेशा तिजोरी में रहे, मैं हमेशा कोई दूसरी अंगूठी पहन सकती हूँ। और फौरन
अंजलि को लेकर वापस बगीचे में पहुंचे। बताओ कहाँ डाली तुमने अंगूठी? डाली नहीं, बोई। हाँ हाँ, पर कहाँ? यहाँ। नहीं, शायद वो वहाँ। नहीं, यहाँ भी नहीं। पर आप फिक्र मत करो, जब अंगूठी का पेड़ उगेगा और उसमें अंगूठियाँ उगेंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओफो अंजलि, अंगूठियाँ पेड़ पे नहीं उगती। क्या? पापा ने समझाया कि अंगूठी कोई फल नहीं है कि जिसका बीज अंकुरित होता है या पेड़ बन जाता है। अरे रोते नहीं अंजलि, मेरी वजह से वो कीमती अंगूठी खो गई। कोई बात नहीं अंजलि, पर तुमने आज एक ऐसा सबक सीख लिया जो कि शायद उससे भी ज्यादा कीमती है। बोलो क्या सीखा तुमने? यही कि अंगूठियां पेड़ पे नहीं उगती। कृष्णा का केक। कुछ लोग किसी मनपसंद चीज को पाते हुए भी उसे खो देते हैं, क्योंकि उसे पाने की कोशिश में धीरज नहीं रख पाते। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। 10 साल की नटखट और उतावली कृष्णा और उसके मनपसंद चॉकलेट केक की। क्या आपको ये केक चाहिए? हा? 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 मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं? जी हाँ, आप। तो ले लीजिए। माँ, मुझे केक मिलने ही वाला था। मुझे चॉकलेट केक चाहिए। अच्छा ठीक है, कल जब तुम स्कूल से आओगी ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट केक बनाना सिखा दूंगी, लेकिन पहले अपना होमवर्क करो। कृष्णा उठ जाओ। कहाँ गया मेरा केक? कहाँ गया मेरा इकलौता चॉकलेट केक? सपने देखना बंद करो, उठो, कल स्कूल जाना है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, चलो ना केक बनाएं। केक बनाने की पहली शर्त, स्कूल जाना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले स्कूल की शर्त पूरी की जाएगी। स्कूल में जाने के बाद भी कृष्णा चॉकलेट केक के ख्यालों में ही डूबी थी, इतनी कि उसे हर जगह बस चॉकलेट केक ही दिखाई दे रहा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खरगोश और कछुए की कहानी। इस तरह कछुए ने खरगोश को बड़े ही धीरज के साथ हराया। सब अपना होमवर्क सबमिट कर दो, और जिन्होंने नहीं किया है वो यहीं रुककर अपना होमवर्क पूरा करें। कृष्णा रुको, ये क्या मजाक है? क्या हुआ मैम? सवाल है 2+2। तुमने जवाब लिखा है चॉकलेट केक। 15 अगस्त 1947 को भारत ने चॉकलेट केक का झंडा फहराया था। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा चॉकलेट केक की बरसात होती है।
ये सब क्या है कृष्णा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो क्लास में बैठकर अपना होमवर्क पूरा करो। कृष्णा ने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा कर ही लिया और घर की ओर दौड़ पड़ी। माँ, चलिए केक बनाते हैं। पहले जाकर अपना स्कूल ड्रेस तो बदलो। नहीं, पहले केक बनाते हैं। केक बनाने की दूसरी शर्त है स्वच्छता। चलो जाओ। हाँ? देखो माँ, मैंने कपड़े बदल लिए। चलो केक बनाते हैं। केक बनाने की तीसरी शर्त है केक के लिए जरूरत की चीजों को लाना। अरे चलो जाओ, जल्दी से सामान लेकर आओ। कृष्णा अपनी मम्मी से केक बनाना सीख रही थी और वो जल्दी जल्दी हर एक चीज बोल में डालती जा रही थी। उसने केक को पूरा बना ही लिया। अवन के डायल को 0.1 पर करके छोड़ दो और 30 मिनट में केक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं अवन का तापमान बढ़ा दूं तो केक सिर्फ 30 सेकंड में तैयार हो जाएगा। मेरा चॉकलेट केक। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जल्दबाजी में अवन का तापमान बढ़ा दिया और केक का ये हाल हो गया। ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कृष्णा। चॉकलेट केक। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए आज सुबह ही मैंने ये केक बनाकर रख दिया था। लेकिन अगर तुम्हें ये केक खाना है तो एक और शर्त है, किचन तुम्हें ही साफ करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस केक के लिए तो मैं कोई भी शर्त पूरी कर सकती हूँ। तो इस तरह चॉकलेट केक के जरिए कृष्णा ने धैर्य रखना सीख ही लिया। एकता की शक्ति। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे, चतुर, नटखट और चिंपू। वो हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती अटूट थी, इसलिए पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता था। अरे इस बॉल की रफ्तार तो बिल्कुल चीते जैसी थी। अब चीते जैसे जा और फटाफट बॉल लेकर आ। पर बॉल तो तूने मारी थी। लेकिन मेरी तरफ तो बॉल तूने फेंकी, तो बॉल तू हिलाएगा। अच्छा, मैं यूँ कह रहा था जी कि क्यों ना बॉल हमें एक साथ ढूंढ। इससे फायदा ये होगा कि बॉल जल्दी मिल जाएगी और वक्त भी बचेगा। अच्छा। अरे ये चतुर कहाँ गया? बॉल लानी पड़ेगी, इसीलिए लगता है छुप गया है। मेरा पापड़ बना दिया तूने, उठ जा। गुब्बारे की तरह उड़ते उड़ते चतुर एक गुफा के बाहर जा गिरा। नटखट और चिंपू भी पीछे पीछे चले आए।
अरे यार ये कहाँ पर अटक गया मैं? आसमान में उड़ा और पेड़ में अटका। अगर मैं यहाँ उड़कर आया हूँ तो पक्का बॉल यहीं पर आई होगी। पर यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही बॉल। अब तो ले देके एक ही जगह बची है, गुफा। अरे तो शुभ काम में देरी किस बात की है, जल्दी जाओ और ले आओ। चतुर बड़ी ही बहादुरी से गुफा के अंदर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खाली हाथ लौट आया। अरे भैया अंदर तो बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े दांतों वाले जानवर हैं। तू फिर से बहाना मत बना, एक बार खुद जाके देख ले, पता चल जाएगा। हाँ तो ठीक है, यही रुको, मैं यूं गया और क्यों आया? अरे भाई क्या हो गया, तूने भी दो दो आंखें और दांत देख लिए क्या? चतुर सच बोल रहा है। देखा 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 देखा, कह रहा था ना मैं। अरे छोड़ो यार, तुम दोनों के बस की नहीं है, अब देखो मैं कैसे लेकर आता हूँ। तीनों मायूस बैठे थे, तभी चतुर को एक तरकीब सूझी। उसने पास से एक चमकीला पत्थर उठाया और सूरज की रोशनी को गुफा की तरफ मोड़ दिया, और फिर क्या, कमाल ही हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो और कान खोल के सुनना। चतुर की चतुराई और नटखट और चिंपो की मेहनत ने मिलकर गुफा के अंधेरे को दूर कर दिया। चिंपो जल्दी जल्दी। अरे यार ये इतना वक्त क्यों लगा रहा है? दोस्तों ये देखो, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो इस तरह तीनों मिलकर गुफा से बॉल निकाल लाए, क्योंकि जब सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाएं, तो एकता की शक्ति ही काम आती है। होशियार शांगपॉन, ये है पूर्वी भारत का नागालैंड प्रदेश, जहाँ की सबसे अक्लमंद और होशियार हस्ती का घर है ये। जी नहीं, ये उल्लू नहीं, बल्कि इसका मालिक शांगपॉन। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें शांगपॉन की महारत नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है और जब जो मन करता है वो काम करने लगता है। आजकल शांगपॉन ने कपड़ों की रंगाई का काम शुरू किया है। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करते हैं और उसका धंधा खूब चलने लगा है। इसी गांव में एक सेठ जी रहते हैं, जिन्हें शांगपॉन की होशियारी और शोहरत से बड़ी जलन होती है। आज सेठ जी को एक तरकीब सूझी और वो शांगपॉन के घर आ गए। वो साथ में कुछ गांव वालों को भी लेकर आए हैं, ताकि सबके सामने शांगपॉन को बेवकूफ ही नहीं बल्कि रंगाई के काम में कमजोर भी साबित कर पाएं। अरे सेठ जी आप आइए। हाँ भाई शांगपॉन, जरा ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। क्या है कि तुम्हारी रंगाई की तारीफ बहुत सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। जरूर सेठ जी, कहिए इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तुम इसे
हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी के अलावा कोई भी रंग हो तो उसमें रंग सकते हो। सेठ जी और दूसरों की शक्लों से अब शांग पॉन समझ गया है कि सेठ जी उसे नीचा दिखाने के इरादे से आए हैं, लेकिन शांग पॉन ठहरा शांग पॉन। हो जाएगा सेठ जी। सेठ जी और बाकी लोग हैरान हैं कि आखिर शांग पॉन को ऐसा कौन सा रंग पता है जो सभी रंगों से अलग है। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप गए नहीं? अब मैंने कहा ना, रंग दूंगा मैं इस कपड़े को। अच्छा ठीक है, तो इसे इसे लेने में कब आ सकता हूँ? एक मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, इसे लेने आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन आ जाइएगा। सभी को शांग पॉन की होशियारी की तारीफ करते देखकर सेठ जी झेप गए हैं और लीजिए चुपचाप यहाँ से खिसक रहे हैं। सेठ जी के कपड़े को शांग पॉन अपने उल्लू की चादर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सेठ जी अब कभी अपना कपड़ा लेने वापस नहीं आने वाले। मीरा बहन और बाघ। सन 1892 में मैडलीन स्लेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बाद में वो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर उनके संघर्षों में उनका हाथ बटाने भारत आ गई और मीरा बहन के नाम से जानी जाने लगी। देश की आजादी के 5 साल बाद मीरा बहन ने पहाड़ी उत्तराखंड के गेयुली गांव में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आश्रम में रहकर मीरा बहन ने अपना बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिताया। खाओ कमला, अच्छे से खाओ। तुम ठीक से नहीं खाओगी तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाओगी? आहा, जुगनी, मलहम ने अपना काम कर दिया, अब तुम अच्छी तरह उड़ सकती हो। एक जमाने में गेवली गांव के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने कारखाने बनवाने और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया और उन घने जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने वाले बहुत से अभियानों में मीरा बहन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी जंगलों का नुकसान बरकरार रहा। जंगल कटने के कारण अपने भोजन की तलाश में जंगली जानवर मजबूरन जंगल से बाहर निकलने लगे। इसी वजह से मीरा बहन के गोपाल आश्रम वाले गेवली गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। एक रात तो एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर गए कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी इंसान को ही अपना शिकार ना बना ले। कुछ लोगों ने गोपाल आश्रम जाकर मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। देखो भाई, फिलहाल तो सभी गांव वालों से हर पल होशियार रहने की सलाह ही दे सकते हैं, और तो कुछ सूझ नहीं रहा। पर लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। हमें तो लगता है कि यही ठीक रहेगा।
लेकिन बढ़िया है, चलो चलो पिंजरा बनाते हैं। बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के घुसते ही वो दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। रात को गांव वाले इत्मीनान से सो गए, इस उम्मीद में कि सुबह तक बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। लेकिन मीरा बहन को बिल्कुल नींद नहीं आई। हम इंसानों ने जंगल को काटकर इतना छोटा कर दिया कि बाघ के लिए वहां खाने को कोई शिकार मिलेगा ही नहीं। वो बाहर गांव नहीं आएगा तो कहां जाएगा? लेकिन आज वो आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा बेचारा। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। पिंजरे का दरवाजा तो बंद है। हाँ, ये तो बंद है। लेकिन पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पर ये कैसे मुमकिन है? अरे पिंजरे में तो बाघ नहीं है। अरे लेकिन पिंजरा बंद है, मतलब बाघ तो अंदर होना चाहिए। अरे बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? और बकरी वो कहाँ गई? मैं बताती हूँ। अरे रीता बहन, देखो भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं और इस बकरी को भी बेवजह बलि पर क्यों चढ़ाएं। इसीलिए हम आश्रम वालों ने यहाँ आकर बकरी को छुड़ाया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मीरा बहन की बात सुनकर गांव वाले चौंके तो जरूर, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने मीरा बहन के इस फैसले को खूब सराहा। आखिर मीरा बहन की तरह जानवरों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करना उनका अपना भी तो कर्तव्य था। सबने उस दिन प्रण लिया कि मीरा बहन की तरह वो भी जंगलों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की लड़ाई को और मजबूत करेंगे, ताकि जंगली जानवरों को भोजन के लिए मजबूरन अपने घर यानी जंगल को छोड़कर बाहर ना निकलना पड़े। सुरक्षा की शिक्षा। आनंद वन नाम का एक समृद्ध जंगल था। वहाँ के प्राणी बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जीते थे, लेकिन उनके बीच एक शैतान दिमाग था। ओ बल्ले ओए, आज तो पेट फूलने तक मैं खाना खाऊंगा। हाँ हाँ भालू दादा, आज पेट भर के खाना और कल मेरे क्लिनिक आ जाना। ये दवाई जरूर काम करेगी। अरे भालू दादा, आप यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? अब तुहानू क्या बताऊं डॉक्टर साहब जी, सुबह से ना कुछ कुशल है ना कुछ मंगल है। आप चिंता मत करो, डॉक्टर लोमड़ी की दवाई खाते ही बड़ी से बड़ी बीमारी जंगल पार हो जाती है। डॉक्टर लोमड़ी का लालच समय के साथ और बढ़ रहा था। वो आए दिन किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने लगा। मिल गए नए ग्राहक। डॉक्टर लोमड़ी क्या दिमाग लगाया है। हमारे क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर लोमड़ी का ये खुफिया प्लान कामयाब हो रहा था। उसके क्लिनिक के बाहर मरीजों की लाइन भरती ही जा रही थी। अरे उड़ी बाबा। तुम ठीक तो हो ना बंकू? क्या बताएं बाबू मोशाय, लगता है इस जंगल पे कोई बुरा साया है। ऐसा क्या हुआ? बंकू ने अपनी आप बीती पांडा को बताई। ये सुनके पांडा सोच में पड़ गया। ये बुराई का साया नहीं, लापरवाही की माया है। मतलब? वक्त आने पर तुम भी सीख जाओगे।
दुर्घटना से देर भली, सुरक्षा से समस्या टली। पांडा जंगल को बचाने के मिशन पर निकल पड़ा। बाय बाय। उसकी बहादुरी से जैसे चमत्कार हो गया। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर लोमड़ी की दुकान ठप पड़ गई और वो इसका हल ढूंढने में लग गया। इस पांडा ने सारा धंधा चौपट कर दिया है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अरे ओ पांडा भैया, नदी के पार जाना है क्या? आओ हम छोड़ देते हैं भैया। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूर एक पुल है, मैं वहाँ से चला जाऊंगा। अरे भैया क्यों वक्त बर्बाद करते हो, अपनी तो घर वाली बात है। आ जाओ आ जाओ। ना ना, दुर्घटना से देर भली। मतलब हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे क्या, आपने तो एक मिनट में पराया कर दिया हमको। अच्छा चलो तो फिर। मेरा धंधा डुबाने चला था, अब डूब गई ना नैया? शायद तुम जानते नहीं, पर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे भैया कसम बनाने वाले की, मैं तो मजाक कर रहा था। ओरे बाबा। देखा क्या कहा था मैंने, दुर्घटना से देर भली, सुरक्षा से समस्या टली। एक गांव और एक शहरी चूहे की कहानी। एक बार गांव के देहाती चूहे ने शहरी चूहे को अपने गांव खाने पे बुलाया। खाने में भुट्टा, गेहूं, पौधों की जड़ें आदि चीजें थी। शहरी चूहा गांव आ गया। भोजन के समय शहरी चूहा बोला, दोस्त तुम यहाँ चींटियों की जिंदगी जी रहे हो, मेरे घर में बहुत ऐश है, मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ऐश करोगे। देहाती चूहे ने शहरी चूहे की बात पर थोड़ा सोचा और फिर उसके साथ वो भी शहर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शहरी चूहे ने देहाती चूहे को खाने में ब्रेड, बार्ली बीन्स, अंजीर और हनी जैसी चीजें दी। देहाती चूहा इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने खाना अभी शुरू ही किया था कि कोई आदमी अंदर आ गया। दोनों चूहे डर कर बिल की ओर भागने लगे। आदमी के जाने के बाद दोनों फिर बाहर आए और जैसे ही खाने के लिए चले, फिर से कोई अंदर आ गया। दोनों चूहे फिर बिल की ओर भागे। बार बार ऐसा देख देहाती चूहा घबराया और बोला, तुमने मुझे इसी भोजन के लिए बुलाया था ना? यहाँ तो हर तरफ जान का खतरा है, मुझे नहीं रहना ऐसी जगह। मुझे गांव के खेत ही पसंद है, जहाँ बिना किसी डर हम लोग घूम तो सकते हैं, वहाँ जान का ऐसा खतरा तो नहीं होता। सुकून के साधारण पल अच्छे हैं उस ऐशो आराम की जिंदगी से जो हमेशा खतरे में रहते। शेर, लोमड़ी और गधा। एक बार एक गधा और एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि तभी उन्होंने सामने से एक शेर को आते देखा। वो दोनों बहुत डर गए। लोमड़ी चालाक थी, उसने अपनी जान बचाने का एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने शेर के कान में जाकर कहा कि अगर आप मेरी जान ना लो तो मैं इस गधे को आपका भोजन बना सकती हूँ। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे।
जंगल में शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। लोमड़ी उसी रास्ते पर जा रही थी, फिर अचानक एक गड्ढे में गिरकर लोमड़ी ने अपनी जान बचा ली। तभी शेर ने पलटकर देखा कि गधा अभी भी वहीं था। शेर ने झपटकर गधे को पकड़ लिया और अपना पेट भरकर भोजन किया। जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना बहुत हानिकारक साबित होता है। एक गधा और उसका मालिक। एक गधा पेड़ पौधे की दुकान पे काम करता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मुझे यहाँ से हटाकर किसी और मालिक के पास भेज दो। बृहस्पति देव बोले, ठीक है, पर फिर शिकायत मत करना। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक ईंट बनाने वाले के पास भेज दिया। कुछ ही समय में गधे ने देखा कि उसे भारी भारी ईंटें उठानी पड़ रही हैं। वो निराश होकर फिर से बृहस्पति देव से बोला कि मेरा ये मालिक भी बदल दो। बृहस्पति देव ने कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी बात है। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक चमड़े वाले के पास भेज दिया। अब गधे ने अनुभव किया कि इस बार तो वो बहुत ही गलत हाथों में पड़ गया है। यहाँ तो उसे खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वो अब सोचने लगा कि यहाँ भूखा रहने से तो अच्छा है कि मुझे पहले वाले मालिक के वहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत ही कर लेनी चाहिए थी। जिसे एक जगह संतुष्टि न मिले उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। एक कौवे और घड़े की कहानी। एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो एक पत्थर पे जाकर बैठ गया। गर्मी बहुत थी। तभी कौवे को एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। वो झट से उस घड़े पे जाकर बैठ गया, मगर जैसे ही उसने पानी पीने के लिए घड़े में अपना मुंह डाला, पानी उसे मिला ही नहीं। कौवे ने बार बार कोशिश की, पर वो पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस घड़े में डाल दिया। एक के बाद एक वो घड़े में कंकड़ डालता गया। कुछ देर बाद कौवे ने देखा कि घड़े में पानी की सतह पहले की अपेक्षा ऊपर आ चुकी है। घड़े में पानी को ऊपर तक आता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। दिमाग लगाओ तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कुत्ता और उसकी परछाई। एक कसाई ने कुत्ते को खाने के लिए एक हड्डी दी। कुत्ता हड्डी लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुल दिखाई दिया। कुत्ते ने जैसे ही पुल क्रॉस किया, उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। कुत्ता तालाब के उस पानी में अपनी ही छवि को देखकर सोचने लगा कि एक दूसरा कुत्ता भी है जिसने एक ऐसी हड्डी ले रखी है जो मेरी हड्डी से भी बड़ी है। लालची कुत्ते ने उस हड्डी की लालच में मुंह से अपनी ही हड्डी तालाब में गिरा दी। कुत्ते ने हड्डी को पाने के लिए तालाब में ही छलांग लगा दी। हड्डी पानी में बह गई। फिर उसने पानी में तैरकर अपनी जान तो बचा ली, पर बड़ी हड्डी की लालच में उसने अपनी वाली हड्डी भी गंवा दी। अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि लालच बुरी बला है। अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा की लालच में जो है वो भी कभी कभी चला जाता। एक दिन एक चरवाहा चारे की तलाश में अपनी भेड़ों के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। और फिर तभी भेड़िया आया चिल्लाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, मगर चरवाहे का झूठ देखकर सभी गांव वाले निराश हो गए। अब लोगों को मूर्ख बनाने में चरवाहे को मजा आने लगा। फिर ऐसा वो अक्सर करने लगा। एक दिन
चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाकर घर लौट ही रहा था कि सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया। चरवाहा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से मूर्ख बना रहा है। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों को अपनी मदद के लिए आता ना देख वो गुस्से से लाल हो गया और सीधा गांव के मुखिया से शिकायत करने लगा। मुखिया ने चरवाहे से एक बात कही कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, वो चाहे कितना भी सच बोले। अपुटन और पहलवान। दक्षिणी भारत के केरल प्रदेश में अपुटन नाम का एक आदमी रहता था। पूरे गांव में अपुटन बाबू अपनी अकलमंदी और होशियारी के लिए मशहूर थे। क्या बात है पहलवान जी, भरी दोपहरी में जम के कसरत हो रही है। और नहीं तो क्या, ताकत के बिना अकलमंदी और होशियारी का क्या काम। सही बात है पहलवान जी, जैसे अकलमंदी के बिना ताकत का क्या काम। अच्छा जी तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे पहलवान जी। अरे रुको अपुटन, तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो ना। अरे वाह, बिना कहे जान गए आप तो। वैसे एक बात कहूँ, आप भी कम होशियार नहीं है। अरे रहने दो अपुटन, देखो तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में अधिक है। अच्छा, और ये मैं कैसे मान लूं? क्यों, तुम्हें शक है? शक की बात नहीं है पहलवान जी, पर कोई सबूत हो तो मानूं। अच्छा चलो ये बता दो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? अरे कितनी है का क्या मतलब, बस बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा ताकत है। अरे तुमसे तो कहीं ज्यादा है। अरे फिर भी कुछ तो हिसाब होगा। अब देखिए ना, आप मेरे गधे को ही देख लीजिए, इसमें इतनी ताकत है कि एक बार में 70 किलो का वजन ढो सकता है। हाँ, वो भी बिना थके। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी 70 किलो की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अरे वाह क्या बात है। मतलब आप में गधे जैसी ताकत है, है? गधे को छोड़ो, मैं तुमसे तो कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा आइए मेरे साथ, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आइए आइए। हाँ हाँ चलो, पर चलना कहाँ। अपुटन बाबू पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गए। अच्छा तो पहलवान जी, जरा इस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक कर दिखाइए। अपुटन, शायद तुमने सुना नहीं, मैं 70 किलो की चट्टान को एक रुमाल। अरे मैं 70 किलो की रुमाल। अरे मैं 70 रुमाल। दीवार के बाहर। पहलवान ने रुमाल को दीवार के बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश की लेकिन रुमाल चूंकि हल्का था वो हवा में गोते खाकर ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पहलवान जी कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लीजिए। <laughs>
क्या हुआ पहलवान जी, नहीं फेंक सकते ना दीवार के बाहर? अब मेरी ताकत देखो। अपुटन बाबू ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा। पहलवान जी ध्यान से देखना। और उसे दीवार के पार फेंक दिया। देखा? और इस तरह होशियार अपुटन बाबू ने पहलवान को दिखाया कि अकल का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो अपनी जरा सी ताकत का भी पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और अपुटन बाबू की होशियारी का ये किस्सा भी मशहूर हो गया।
गधा और शेर की खाल। एक दिन एक गधा कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक शेर की खाल दिखाई दी। दरअसल शिकारियों ने शिकार के बाद इसे धूप में सुखाने के लिए रखा था। गधे ने उस खाल को पहन लिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही गांव पहुंचा, गांव के लोग और जानवर उसे शेर समझ बैठे और डर कर उससे दूर भागने लगे। गधे को बड़ा अच्छा लगा, अब उसे खुद पे ही गर्व महसूस होने लगा। खुशी में उसने गुर्राना शुरू कर दिया। तभी उसके मालिक ने उसकी आवाज पहचान ली और उसे एक जोर का डंडा लगाया और शेर की खाल को नीचे गिरा दिया। ये सब देख कर एक लोमड़ी उस गधे के पास आई और उससे बोली, अच्छे कपड़ों से सच्चाई कितनी भी छुपा लो, मगर शब्दों से मूर्खता दिख ही जाती है। एक कंजूस और उसका सोना। एक कंजूस था जो हमेशा अपने पैसों से सोना खरीदता और उसे घर के बगीचे की जमीन में गाड़ देता। फिर हर हफ्ते उसे चेक करने जाता कि सोना सुरक्षित है या नहीं। एक लुटेरी की नजर उस कंजूस के सोने पे पड़ गई और मौका मिलते ही वो सारा सोना लेकर भाग गया। हमेशा की तरह कंजूस जब अपना सोना चेक करने के लिए वहाँ आया तो उसने देखा कि सोना वहाँ था ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके पड़ोसी वहाँ आ गए। एक ने पूछा कि तुम लेकर तो नहीं गए यहाँ से? कंजूस बोला, नहीं। पड़ोसी बोला, फिर से चेक कर लो, शायद मिल जाए। आवश्यकता से ज्यादा धन का कोई महत्व नहीं होता। मुर्गी और सोने के अंडे। एक आदमी ने देखा कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। उसे यकीन नहीं होता। उसने अंडे को उठाकर देखा कि अंडा शुद्ध सोने का ही है। वो आदमी उस अंडे को घर ले जाकर बार बार देखता और खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अंडा शुद्ध सोने का ही है। इस तरह सोने के अंडे को बेच बेच कर वो बहुत अमीर हो गया। फिर एक दिन उसके दिमाग में लालच आई कि मुर्गी को मारकर उसके सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं। लालच में उस आदमी ने मुर्गी को काट दिया, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लालच एक बुरी बला के जैसी ही होती। चींटी और चिड़िया। एक चींटी नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए गई। उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, तभी जोर की लहर आई और चींटी उस नदी में बह गई। वहीं पेड़ पर एक चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। उसने चींटी की जान बचाने के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी जल्दी से उस पत्ते पे चढ़ गई और अपनी जान बचा ली। कुछ समय बाद एक शिकारी वहाँ आया और उसने उस चिड़िया का शिकार करने के लिए टहनियों का एक जाल बिछाया, मगर चींटी ने ये सब देख और उस शिकारी के पैर में जोर से काटा। शिकारी उन टहनियों पे ही जा गिरा और टहनियाँ टूट गईं और इस तरह से चींटी ने भी उस चिड़िया की जान को बचा लिया। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी पानी की तलाश में बाग में घूम रही थी, तभी उसे एक पेड़ पर एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया। लोमड़ी के मुंह से राल टपकने लगी। उसने सोचा, अंगूर ही खाकर थोड़ी प्यास बुझा लेते हैं। उसने अंगूर को पाने के लिए जोर जोर से छलांग मारी। बार बार कोशिश के बाद भी अंगूर तोड़ पाने में लोमड़ी को सफलता नहीं मिली। लोमड़ी निराश हो गई और ये कहकर चली गई कि मुझे पता है कि ये अंगूर खट्टे हैं। हम अपनी असफलता का दोष बड़ी आसानी से किसी पे भी मढ़ देते हैं। कुछ लड़के और मेंढक। एक तालाब के किनारे कुछ लड़के खेल रहे थे, तभी उनको कुछ मेंढक तालाब में दिखाई दिए। मगर उन लड़कों ने खेल खेल में सारे मेंढकों को मार डाला। तभी एक आखिरी बचे हुए मेंढक ने बोला कि बच्चों, ये कैसा खेल है तुम्हारा जो हमारी जान लेकर तुम्हें
खुशियाँ देता है। अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसान और उसके बेटे। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी मृत्यु की आखिरी सांसें गिन रहा था, वो अपने आलसी और कामचोर लड़कों से परेशान था। उसने अपने लड़कों से अपनी एक आखिरी इच्छा बोली और कहा कि मैंने खेत वाली जमीन के नीचे एक खजाना छुपा कर रखा है। कुछ समय बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के फावड़ा भाला इत्यादि लेकर खेत में खजाना ढूंढने निकल पड़े। खजाने को ढूंढने के चक्कर में लड़कों ने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। खजाना तो नहीं मिला, मगर तभी जोर की बारिश होने लगी। कुछ समय बाद खेत में लहलहाती हुई फसल दिखने लगी। मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता है। देखो दोस्तों, कितनी सारी तितलियां आई हैं। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। तू लगती है कितनी सुंदर, कोमल तेरी काया सारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। कितने रंग है तेरे अंदर, तू परियों से आई मिलकर। कितने रंग है तेरे अंदर, तू परियों से आई मिलकर। पंख तेरे बड़े रंगीले, तू मडराए फूलों पर काली पीली नीली धारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी।
यहाँ वहाँ तूड़ती फिरती, बाग बगीचों में ही रुकती। यहाँ वहाँ तूड़ती फिरती, बाग बगीचों में ही रुकती। कभी कभी तू घर आती है, लेकिन मेरे हाथ न लगती। तितली रानी से मैं हारी, रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। रंग बिरंगी तितली प्यारी, जितनी चंचल उतनी न्यारी। अपना भालू लाया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। गीता आई, राजू आया, पूजा आई, हर्ष आया। आई, भीड़ लगी, भीड़ लगी,
डम 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 रूह बाजा कालू का भालू नाचा। कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। कालू ने जब हाथ उठाया भालू ने करतब दिखलाया। कालू ने जब हाथ उठाया भालू ने करतब दिखलाया। सीटी बजी ताली बजी डम 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 रूह बाजा और जोर से भालू नाचा। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया। हमको विटामिन सी
कितने यक्ष